पूरी जानकारी मैं इस अगरबत्ती को लेकर दूंगा। आपको जानकारी होगा कि जब ये अगरबत्ती गुजरात से चले थे तो ये वीडियो जो है काफी वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर। अगरबत्ती में क्या क्या मटेरियल डाला हुआ है बाबा? हाँ, इसके अंदर 376 किलो गूगल धूप है, 376 किलो नारियल का खोपरा का सीण है और 425 किलो हवन सामग्री है, 280 किलो तल है, 280 किलो जौ है। अगरबत्ती और 3 फीट की मोटाई वाली अगरबत्ती जब अयोध्या के लिए गुजरात के बड़ौदा से निकले थे तब तमाम सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में इसकी खबर तेजी से फैल रही थी। नमस्कार, आप DNY न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं और अयोध्या में तेजी से वायरल हो रहे 108 फीट के अगरबत्ती, वहीं पर मैं मौजूद हूँ। ये अयोध्या के नया बस स्टैंड में मौजूद है और यहीं पर जो है अब इस अगरबत्ती को जला दिया गया है। जी हाँ, आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इधर से ये देख सकते हैं कि ये अगरबत्ती जो है लगातार जल रही है, ये अगरबत्ती लगातार जल रही है और यहाँ पर जो है महात्मा लोग बैठे हुए हैं, बाबा लोग बैठे हुए हैं। मैं इसके बारे में आपको तमाम जानकारी देने का प्रयास करूँगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि ये पूरा अगरबत्ती को दिखाइए। यहाँ से वहाँ तक इसकी लंबाई आप देख सकते हैं कि ये लंबाई जो है 108 फीट का था और बाबा से हम जानेंगे कि कब इसमें आग लगाया गया, कितना जला है, कितना फीट तक ये जल चुका है और कितना फीट ये बाकी है। आपको बता दें कि जब ये अगरबत्ती गुजरात से चली थी तो कितने दिन इसको आने में लगा था और ये अगरबत्ती किन किन चीज़ों से बना है और कितना इसका टोटल वजन है, ये सारा जानकारी मैं आपको यहाँ पर मौजूद बाबा से मैं देने का प्रयास करूँगा। पूरी जानकारी मैं इस अगरबत्ती को लेकर दूंगा। आपको जानकारी होगा कि जब ये अगरबत्ती गुजरात से चले थे तो ये वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर और इसको लेकर तमाम जानकारी मैं दूंगा। अभी अयोध्या में पहुंच भी गया है और इस अगरबत्ती को जला भी दिया गया है। तो बाबा, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम बाबा। ये अगरबत्ती कहाँ से आया है, कब चला था, कब अयोध्या पहुँचा? ये अगरबत्ती लेकर हम 1 तारीख को बड़ौदा से चले थे और 10 तारीख रात को हम अयोध्या पहुंच गए थे। यानी 1 जनवरी को आप लेकर चले थे गुजरात के बड़ौदा से, 10 तारीख को अयोध्या पहुंच गए। अगरबत्ती में क्या क्या मटेरियल डाला हुआ है बाबा? हाँ, इसके अंदर 376 किलो गूगल धूप है, 376 किलो नारियल का खोपरा का सीण है और 425 किलो हवन सामग्री है, 280 किलो तल है, 280 किलो जौ है और इसके अंदर 191 किलो गिर गाय का घी है और 1475 किलो गिर गाय का जो गोबर होता है उसका पाउडर है और भी इसके अंदर 400 से 450 विविध प्रकार की जो हवन सामग्री है वो लगाई है। कुल मिला के 3610 किलो, 3610 केजी का ये टोटल है। लंबाई क्या है? लंबाई इसका 108 फीट है और 3 फुट इसका गोलाई है। अच्छा बाबा, ये अगरबत्ती किनके द्वारा बनाया गया और कैसे ख्याल आया इतना लंबा अगरबत्ती के? 22 जनवरी 2024 में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है ऐसा पता हमको चल गया था तो हमने इसको बनाने का शुरू किया था। 6 महीने का वक्त लगा था, स्वयं हमने अकेले ने ये बनाई है और इसको बनाने का जो खर्चा है वो भी हमने स्वयं किया है। अच्छा अच्छा, टोटल खर्चा कितना आ गया बाबा? इसको टोटल खर्चा बनाने का 5 लाख रुपया हुआ है। वाह, बहुत ज़बरदस्त, ये 5 लाख खर्च पड़ा है। 108 फीट की अगरबत्ती है और अब अयोध्या में ये जल भी रही है। बाबा, ये कब जलाया गया यहाँ पर? ये कल सुबह 10:30 कितने फीट जल गया है? अभी कम से कम 3-4 फुट जितना। अच्छा अच्छा, यानी 108 फीट में जो है 4 फुट लगभग ये जल चुका है। और बाबा, ये क्या अगरबत्ती ये जो जल रही है 108 फीट की, क्या ये पूरा अयोध्या को जो है सुगंधित कर रही है? देखो, सुगंधित तो करेंगी करेंगी, मगर इसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है ये ऊर्जा है
ये यहाँ की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगी। बाबा, इस अगरबत्ती को लेकर जो है पूरे देश में चर्चा हो गया। जब ये अगरबत्ती बड़ौदा से गुजरात से निकले थे, तमाम सोशल मीडिया पर न्यूज में ये खबर जो है तेजी से वायरल होने लगा। इसको लेकर आपको कितना खुशी हुआ? नहीं, हम तो बहुत खुश है, बहुत खुश है कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। पर जो सही मायने पे अगरबत्ती जहाँ लगनी थी वह नहीं लगी है, वो प्रशासन का कोई मजबूरी है क्या है वो पता नहीं। चलिए, कहीं तो अयोध्या में लगी, हो सकता है जगह की को लेकर जो है, चूंकि ये 108 फीट का है तो यहाँ पर जो है खाली जगह है, यहाँ पर आपको जगह दिया गया है। हाँ, प्रशासन को परेशानी भी होगी क्योंकि इतनी बड़ी अगरबत्ती वहाँ अंदर ले जाना, इसको कहाँ से यू टर्न करना, इतना बड़ा रथ ले जाना, वो दिक्कत तो बहुत सारी थी। इसके लिए प्रशासन ने इसको इधर रखवाया है। बाबा, अगरबत्ती की मोटाई कितना है? इसका गोलाई 3 फुट है। 3 फुट है। अच्छा, ये अगरबत्ती जो आप यहाँ जला कर बैठ गए हैं, जब तक जलेगा तब तक आप लोग यहाँ रहिएगा क्या? जब तक ये जलेंगी, समाप्त नहीं होंगी, तब तक हम इधर रुके। एक तरह का आप भी यहाँ पर अयोध्या में यज्ञ जो है ठाने हुए हैं। हाँ, ये 108 कुंडी यज्ञ ही है क्योंकि 24 कलाक प्रज्वलित ही रहेगा, ये खत्म बुझेगा नहीं कभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ के लोगों के द्वारा जो है क्या प्रतिक्रिया मिल रहा है बाबा इस अगरबत्ती को लेकर? क्या लोग कह रहे हैं अयोध्या के लोग? अयोध्या के नहीं, पूरे भारत की जनता बहुत खुशखुशाल है अगरबत्ती को लेकर। मगर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, वो हमको ऐसा बोल रहे हैं कि इस अगरबत्ती को वहाँ प्रज्वलित होना था, यहाँ क्यों कर दिया। चलिए, तो बाबा में जो है थोड़ा सा दुखी ये है, दुख प्रकट कर रहे हैं बाबा कि अगरबत्ती को जो है राम मंदिर के आसपास जलानी चाहिए, लेकिन वहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ जलाया गया है अयोध्या के बस स्टैंड में, नई बस स्टैंड में। ये खबर मैं आपको सीधे अयोध्या राम नगरी से दिखा रहा था कि किस तरह से ये 108 फीट लंबी अगरबत्ती और 3 फीट की मोटाई वाली अगरबत्ती जब अयोध्या के लिए गुजरात के बड़ौदा से निकले थे, तब तमाम सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में इसकी खबर तेजी से फैल रही थी। अब ये अगरबत्ती अयोध्या नगरी में जल रहे हैं और यहाँ पूरे अयोध्या को सुगंधित कर रहे हैं, और लगभग जो है अगरबत्ती 4 फीट जल चुकी है। टोटल इसकी लंबाई जो है 108 फीट की लंबाई है। एक बार फिर चाहेंगे तस्वीर इसका दिखा दीजिए। ये अगरबत्ती अभी पता नहीं कितने दिनों तक जलेगी, ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस अगरबत्ती को लेकर पूरे देश में चर्चा है, इस अगरबत्ती को लेकर पूरे अयोध्या में चर्चा है। तो अयोध्या से ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस अजूबे 108 फीट लंबी अगरबत्ती के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे DNY न्यूज़। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अयोध्या की हर पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, जय अयोध्या, जय श्री राम।